हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शरण। मैं ताड़ा वेलकम कर दिया अपने चैनल देते जिदा नाम है इट्स मी शरण। होप तुसी सारे जने ठीक ठाक होवोंगे। तो जिस तरह कि तुहानू ऑलरेडी टाइटल तो पता लग चुका है कि अज मैं मेकअप कर जा रही हूँ कीको के प्रोडक्ट्स यूज करके। एक रिक्वेस्टेड वीडियो हैगी स्पेशली जिहड़ियां इटली दियां कुड़ियां, उन्होंने रिक्वेस्ट की सी कि दीदी तुसी वीडियो बनाओ कीको के प्रोडक्ट यूज करके। तो जे बाय द वे तुहानू पता नहीं हैगा कीको की हैगा, तुसी इटली तो बिलोंग नहीं करते हैगे, तो मैं तुहानू दस देवां कि कीको एक ब्रांड हैगा, इटालियन ब्रांड हैगा आ, मिलानो बेस्ड हैगा आ। इहदे विच जिहड़े प्रोडक्ट हैगे बहुत ज़्यादा वधिया ते अफोर्डेबल मिल जाते हैं, तुहानू ड्रग स्टोर ब्रांड कह सकते हैं, बट इन्हां दी पर्टिकुलर शॉप होंदी मॉल्स के उत्थों ही तुसी बाय कर सकते हैं। मॉल्स के जिहड़ियां सिटीज़ होंदियां उन्हां दे सेंटर दे विच, ते उदां तुसी इहनू ऑनलाइन परचेज कर सकते, बट ये नहीं हैगा कि तुसी किसी भी स्टोर तो इहनू बाय कर सकते। इन्हां दे जिहड़े स्पैशल जिहड़े स्टोर होंदे कीको स्टोर उत्थों ही बाय कर सकते हैं। तो इन्हां दे काफ़ी जिहड़े हैगे आ प्रोडक्ट्स हैगे बहुत वधिया हैगे आ। सो मैनू बहुत ज़्यादा पसंद आ, स्पैशली अपने परसनल यूज़ वास्ते मैं इन्हां नू यूज़ करदी हाँ। तो ये वाली जी वीडियो बनाने में डिले थोड़ा इस करके होया क्योंकि काफ़ी जोड़े प्रोडक्ट्स ही मेरे एक्सपायर हो चुके से स्पैशली बेस वास्ते, तो उस तो बाद मैं दोबारा रीपरचेज इस करके नहीं किए क्योंकि मेरे तो ऑलरेडी होर जोड़े है प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सके। सो मैं थोड़ी जी शॉपिंग की ये वास्ते, बाय द वे एक नहीं दो बार मैं शॉपिंग करन गई क्योंकि थोड़ी चीज़ें मैं पहली बार भुल गई, फिर मैं वीडियो शूट करन बह गई कि ओके तो बिना भी मैं सार लूँगी, बट जो वीडियो बनाऊँगी फिर मैं वधिया नहीं लगा। सो मैं दोबारा रीपरचेज करन गई। तो ये वाली जी वीडियो हैगी मैं थर्ड टाइम जी है किको ब्रांड वास्ते थर्ड टाइम जी फिल्म कर रही हूँ, पहली बार थोड़े प्रोडक्ट घट सके इस करके नहीं की, दूसरी बार सारी कर ली कंप्लीट कर ली, बट जो एडिटिंग करन लगी तो मैंने वो फुटेज ज़्यादा वधिया नहीं लगी, दैट्स वाई। तो हूँ हैगा थर्ड टाइम, होपफुली सारा कुछ ठीक जाए, जाकि मैं तीन हफ्तों बाद जी है वीडियो फिल्म करन लगी हाँ। वह कारण जोड़ा है मैं तुम्हें मेकअप करती करती दसूँगी, अदरवाइज जी इंट्रो हैगी बहुत ज़्यादा लंबी हो जूगी, तो मैं नहीं चाहती हैगी कि तुम सुस्ती जी पै जाए। तो बाई द वे जे तुम सुस्ती पै रही है तो तुम एक काम कर सकते हैं, टी कॉफी जो भी तुम पसंद है वो लैके बह सकते हैं। तो क्योंकि अज मैं हैगी हाँ गल्ला करन दे मूड दे विच, क्योंकि मैं ऑलरेडी जी अपनी कॉफी की डोज हैगी लै चुकी हाँ, उस तो बाद जो है मैं काफ़ी एक्टिव हैगी हाँ। तो जे तुहानू सुनदी आ रिंग बैल सुन रही आ, तो वह हैगी साडे टाउन दे विच जिहड़ा हुंदा आ गेट हुंदा आ, उहदे उत्ते जिहड़ी रिंग हुंदी आ उह चल रही आ, बैल चल रही आ। सो सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि इस टाइम जिहड़ी मैं वीडियो कर रही हाँ एक तां मैं सिर्फ एक ही रिंग लाइट लगाई हुई आ, जिहड़े सॉफ्ट बॉक्स आ उह नहीं लगाए, जे थोड़ी जिही तुहानू क्वालिटी लो लगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हुई आ, तो लाइट्स वगैरह लगा के वीडियो जिहड़ी फिल्म करनी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रही आ। तो दूसरा हैगा मैं दोनों जिहड़ियां अपनियां हैगियां विंडो है ओपन कीतिया आ कि थोड़ी जी जी हवा आती रहे, मैं फैन वगैरह ऑन नहीं किया है क्योंकि वो डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होंगी आ। तो बट ऑफकोर्स जो क्लॉक हैगा या रिंग बैल हैगी क्लॉक की जोड़ा साढ़े टाउन के हैगा ऑलरेडी चल रहा है क्योंकि टाइम हो गया 10 मॉर्निंग दे, ते आज दे आज ही मैं वीडियो बना के अपलोड करनी चाहती हाँ। होपफुली सारा कुछ ठीक हो, मैं गल्लां करदी करदी ही मैनू बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो होपफुली जी वीडियो वधिया रहे। तो हुण ज़्यादा बक बक ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेकअप की जी शुरुआत हैगी मैं बेस तो करूँगी, तो बेस वास्ते जिहड़ा मैं प्राइमर यूज़ करन लगी हाँ वो हैगा ये वाला कीको का ब्यूटीफुल जिहा प्राइमर ग्लोइंग स्किन वास्ते। तो ये वाला जिहड़ा प्राइमर हैगा एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा वधिया लगी आ कि जी पैकिंग हैगी छोटे छोटे जे ग्लिटर्स के बॉल्स बने हुए आ, तो जिहड़ा हैगा बहुत सोहना लगता देखने। तो मैं जो बाय किया तो मैं यही सोच के बाय किया क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता सो so, ये जिहड़ा हैगा ग्लोइंग स्किन बेस हैगा आ, तो इनू मैं अप्लाई करूँगी अपने ओवरऑल फेस के उत्ते, उस तो बाद इनू ब्लेंड करूँगी। ये जी फेस के उत्ते एक प्रोपर जी ग्लो जी आ जाती है। तो मेरा हुण पता नहीं कल ही स्किन जी है थोड़ी जी ड्राई हो गई है क्योंकि पिछले दो वीक्स तो मेरे तो अपनी स्किन केयर वाल बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे होया। उहदा कारण हैगा कि पहला मेरा बेबी जिहड़ा हैगा महताब उहदी वैक्सीनेशन होई सी, तो उस तो बाद ज़्यादा उहनू फीवर वगैरह हो गया सीगा, तो वह बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा सीगा, तो फिर उहदे नाल फिर उहदी केयर वास्ते मैनू रहना पिया उहदे उत्ते एकदम, क्योंकि बिल्कुल भी किसी कोल नहीं सी जा रहा, तो उदा बिल्कुल भी तुर फिर नहीं सी रहा, इस करके इस करके वीडियो जी हैगी इन्नी लेट हुई है डिले हुई आ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मैसेज भी आ रहे थे कि दीदी तुसी वीडियो नहीं अपलोड कर रहे, तो उदा यही कारण सीगा। सो उस तो बाद हुण मैं जिहड़ा हैगा अपना बेस आ लगा चुकी हाँ, तो हुण गल करदे आ फाउंडेशन की। जिहड़ा मैं फाउंडेशन यूज़ करन लगी हाँ वो हैगा आ इंस्टा मॉइस्चर फाउंडेशन, ये भी जिहड़ा हैगा आ बहुत वधिया फाउंडेशन है। ये एक्चुअली
किको का बेस्ट सेलर प्रोडक्ट हैगा आ 2019 का, इस करके ही मैं बाय किया क्योंकि इस तो अफोर्डेबल जगिया घट रेंज के भी उन्हों की जी फाउंडेशन दियाँ अवेलेबल सगा फाउंडेशन, बट मैंने ये ज़्यादा वधिया लगा। सो ए वाली जी मेरी शेड हैगी 4.5N हैगी वाला जो फाउंडेशन बहुत वधिया हैगा आ, तो लैट सी तो किदा वर्क करता है मेरे ते। तो हूँ मैं जोड़ा है फाउंडेशन अपना अपलाई करूँगी। फाउंडेशन थोड़ा जहा मैनू लगता लाइट हैगा आ, तो वह मैं उत्थे भी लग रहा है बट मैं तां बाय किया क्योंकि इस जी थोड़ी डार्क शेड वो नहीं सी, तो मैं ये वाली शेड इस करके चाहिए सी क्योंकि समर के थोड़ी जी टैनिंग वगैरह हुई होंगी है, तो इस करके ये वाला थोड़ा जहा लाइट आ। अदरवाइज जोड़ा है मेरी यह प्रॉपर शेड होनी है विंटर के, सो मैं ये वाला ही बाय किया क्योंकि ऑलरेडी जोड़े है विंटर आने वाले आ। सो जे तुहानू थोड़ा जिहा ऑड लगता तो सॉरी उहदे लई, बट मैं इहनू मैनेज कर लूँगी अपना जिहड़ा हैगा मेकअप करन दे नाल। ते बाय द वे जिहड़ा मैं ब्रश यूज़ कर रही हाँ यह किको का नहीं हैगा, सो एक हैगा आ आई थिंक मेकअप रेवोल्यूशन का हैगा ब्रश। ए वाला जिहड़ा हैगा मेरे कोल इकलौता ब्रश हैगा आ ये फाउंडेशन वास्ते। अलार्म बजन लग पिया, 1 सैकेंड सॉरी अलार्म बजन लग पिया सी। अलार्म जिहड़ा सीगा वो 10 बजे का सीगा, वो इस करके क्योंकि मैं महताब नू विटामिन दिंदी हाँ एक, तो वह सानू रोज़ ही याद भुल जाता, तो उस करके मैं एक अलार्म लगाया होया आ, तो क्योंकि फिर वह दे हो जाता। हुण मैं मम्मा नू कॉल करके बाद विच कहिंदी आ कि जे मम्मा ने नहीं अजे दिता हैगा तो दे देन, क्योंकि मैं हैगी हाँ डाउनस्टेयर, तो जिहड़ा साडा हैगा आ रूम हैगा आ जिहड़ा साडा हाउस आ उपर आ, तो ये मैं अपना बेसमेंट के अपना स्टूडियो जिहड़ा हैगा बनाया होया आ। सो हुण इहनू मैं चंगी तरीके नाल ब्लेंड कर रही हाँ पहला ब्रश के नाल, उस तो बाद जी मैं स्पंज हैगी यूज़ करूँगी। मैंने जिहड़ा हैगा फेस के उत्ते फाउंडेशन जिहड़ा अपलाई कर लिया, तो मैं नैक के उत्ते अज फाउंडेशन नहीं अपलाई किया हैगा, उहदा कारण हैगा आ कि दूसरा कारण जिहड़ा हैगा वीडियो इन्नी लेट आउण दा। फस्ट कारण सीगा कि महताब ठीक नहीं सी जिहड़ा मेरा बेबी आ, सैकेंड कारण सीगा कि मेरे एलर्जी हो गई है नैक के उत्ते गर्मी के नाल, बहुत ज़्यादा रैशिज वगैरह हो गए आ, तो कोई भी प्रोडक्ट वगैरह मैं इत्थे अपलाई नहीं करूँगी नैक के उत्ते। तो जो थोड़ा जिहा डिफरेंस लगा जाके जिहड़ा हैगा फाउंडेशन उहदी थोड़ी जी शेड लाइट हैगी आ ते ओह नैक दे नाल मैच नहीं कर रही, बट स्टिल मैं इहनू इद्दी मैनेज कर लिया आ क्योंकि मैं नहीं चाहुंदी हैगी कि मेरी जिहड़ी प्रॉब्लम आ ज़्यादा बढ़ जाए। तो हुण गल करदे आ असीं कंसीलर अपलाई करदे आ, तो जिहड़ा कंसीलर मैं यूज़ करन लगी हाँ ये हैगा आ किको दा स्किन टोन कंसीलर। तो बाय द वे जिन्ने भी मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हाँ वह मैं सारे डिस्क्रिप्शन के छड्ड दूँगी इन केस तुसीं चैक करने चाहो तो। तो मैं जिहड़ा हैगा आ अपना जिहड़ा हैगा कंसीलर आ अपलाई करूँगी सिर्फ अपने अंडर आइज़ दे ते थोड़ा जा अपने नोज़ दे बस, बाकी होर किते भी अपलाई करन दी जरूरत नहीं हैगी। तो फिर मैं सेम अपनी जिहड़ी स्पंज हैगी आ उहदे नाल इहनू ब्लेंड कर दूँगी, तो जिहड़ा प्रोडक्ट मेरा स्पंज दे उत्ते बचूगा उहदे नाल ही मैं अपना जिहड़ा हैगा आ आईलेट कवर कर लूँगी क्योंकि इस तो बाद असीं अपना आई मेकअप करना आ। जे तुहाडे कोई इस एलर्जी का जिहड़ी गर्मी तो हुंदी आ उहदा कोई इलाज हैगा तां प्लीज़ दस्सिओ शेयर करिओ साडे नाल, क्योंकि ये प्रॉब्लम पहला मेरे मदर इन लॉ नूं भी हो चुकी आ ये वाले समर दे विच, ते उहनां दे भी जिदा जिहड़ी हैगी आ गर्दन वगैरह ते जां एल्बो ते जिहड़े हैगी काफ़ी प्रॉब्लम रही आ। ते उस तो बाद हुण मेरी वारी आ गई आ, पता नहीं की गल है बहुत ज़्यादा खाज हुंदी आ। सो जे कोई तुहाडे कोल इहदी कोई ट्रीटमेंट हैगी आ तां प्लीज़ जरूर दस्सिओ, बाकी असी अपने अकॉर्डिंगली जिहड़े हैगे आ होम रेमडीज़ वगैरह ट्राई कर रहे हैं। तो मैं अपना जिहड़ा हैगा बेस आ जिहड़ा हैगा कंसीलर अपलाई किया है, तो हुण गल करदे आ कंटोरिंग दी। मेरे कोई भी पाउडर कंटोरिंग वास्ते प्रोडक्ट नहीं हैगा, ईवन जिहड़ा हैगा लिक्विड कंटोरिंग वास्ते भी कोई भी प्रोडक्ट नहीं हैगा, बट मेरे को एक चीज़ हैगी इत्थे ये वाली हैगी किको दी लिपस्टिक आई शैडो, सॉरी यह हैगा किको दा आई शैडो, तो यदि जी शेड हैगी ब्राउन शेड हैगी मैं ये ही जो अपना फेस कंटोर करूँगी क्योंकि मेरे तो कोई भी कंटोरिंग प्रोडक्ट किको दा नहीं हैगा। मैं बाय भी नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं गई तो सी क्योंकि मेरे तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है जे मैं यूज़ करने हैं, सो मैं सोचा कि मैं ये ही काम चलाऊँगी। बिल्कुल थोड़ा जहा मैं लूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड हो जाना, नहीं तो बिल्कुल थोड़ा जहा मैं अपलाई करूँगी सिर्फ अपने जोड़ा हैगा आ थोड़ी जी शेप देन डॉट डॉट लगा के, जिस तरह तुम देख सकते हो कि डॉट डॉट ही लगाए, ज़्यादा कुछ नहीं लगाया है। तो इनू मैं सब तो पहला अपने चीक्स के उत्ते अपलाई करके इनू ब्लेंड करूँगी, अदरवाइज जोड़ा है ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा जो सारा फेस करा। तो इनू हुण मैं ब्लेंड करूँगी हौली हौली,
थोड़ा जिहा टैक्स जिहड़ा हैगी आ शेप देने लई अपने फेस नूं। तुसी देख सकते होंगे ऑलरेडी जिहड़ी हैगी आ कंटोरिंग जिहड़ी हो चुकी आ मेरी, तो सेम चीज़ मैं अपने सैकेंड साइड करूँगी। तो हूँ मैं सेम लैके अपने नोज़ में करूँगी कंटूर, थोड़ा थोड़ा लगा के डॉट डॉट जे, थोड़ा जहा अपना फोरहेड, तो थोड़ा जहा अपना फेस नू पतला जहा करन दे लई। तो हूँ असी ये सारा कुछ नू ब्लेंड करांगे। मेरी जिहड़ी कंटोरिंग हैगी हो चुकी है, मैं बिल्कुल लाइट जे मिनिमम जे कंटोरिंग रखी आ। तो जे तुसी इदां दा कोई प्रोडक्ट यूज़ करदे आ तां तुसी अपनी कंटोरिंग अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो हुण जिहड़ा हैगा मैं अपना बेस है इहनूं सैट करूँगी। तो इहदे लई जिहड़ा मैं यूज़ करूँगी इह हैगा कीको दा अनएक्सपैक्टिड पराडीज लूज पाउडर ट्रांसपेरेंट। ये वाला जिहड़ा पाउडर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा वधिया हैगी आ। ये वाला पाउडर तो मैं कीको हुडा का जिहड़ा पाउडर आ सेम एक दिन ही बाय कीते सीगे, तो जो कि तुसी ऑलरेडी मेरी जिहड़ी हैगी आ हॉल मेकअप हॉल वीडियो दे विच देख चुके हैं। तो बट ये वाला मैनू बहुत ज़्यादा पसंद आया सीगा, सो इहनू मैं यूज़ कर रही हाँ। तो मेरे तो गलती नाल फिर मैं नैक दे उत्ते चले गई क्योंकि आदत हैगी आ नैक दे उत्ते प्रोडक्ट लगाउण दी, बट अज मैं इहनू अवॉइड कर रही हाँ बहुत ज़्यादा क्योंकि मैं नहीं चाहती हैगी कि मेरी जिहड़ा नैक हैगी वह खराब होवे किसी भी कारण करके। ओके जी, हुण जिहड़ा मेरा बेस हैगा आ कंप्लीट हो चुका है। तो हुण मैं मूव ऑन कर दी हाँ आई मेकअप वाल, क्योंकि आई मेकअप करन तो बाद ही मैं अपना जिहड़ा ब्लश वगैरह लगाऊंगी। तो आई मेकअप वास्ते आपां की करांगे, आई मेकअप वास्ते सब तो पहला मैं अपने आईब्रो फिल करूँगी। तो उहदे वास्ते मैं जिहड़ा हैगा आ आईब्रो मल्टी टास्कर ये यूज़ करन लगी हाँ। ये एक्चुअली 3-in-1 हैगा जो कि इहदी चीज़ मैनू बहुत ज़्यादा पसंद आई। एक तो जिहड़ी नॉर्मल इहदी हैगी आ पेंसिल आ जिदना तुसी आईब्रो फिल कर सकते हैं, उस तो बाद जे तुसी थोड़ा जिहा इहनां नूं चंगी तरीके नाल फिल करना चाहते हैं तो आह वाला हैगा आ मार्कर जिस तरह तुसी यूज़ कर सकते हैं। उस तो बाद जिहड़ा थर्ड हैगा आ स्पूली हैगा आ जो कि बहुत ज़्यादा वधिया हैगा आ हैंडी हैगा ये वाला, तो तुसी एक नाल ही काफ़ी कुछ कर सकते हैं। सो मैं हुण इहनूं अप्लाई करूँगी अपने। आईब्रो फिल करन तो बाद हुण मैं अपना आई मेकअप करूँगी। तो आई मेकअप वास्ते मैं अज कुछ ज़्यादा नहीं हैवी करना हैगा, सिंपल जिहा मैं रखना स्मोकी आइज़ करनी आया। तो उहदे लई मैं सेम जिहड़ा अपना आई शैडो हैगा आ इहनूं पहलां जिहड़ी डार्क शेड आ अपनी कंटोरिंग वास्ते यूज़ कीती सीगी, ये वाला जिहड़ा हैगा मैं अपने आईलेट दे उत्ते अप्लाई कर लूँगी। उस तो बाद मैं जिहड़ा ब्रश आ उहनूं लै के सारा कुछ ब्लेंड करूँगी। ये जिहड़ा हैगा मेरा स्मोकी आइज़ वास्ते मेरा बेस बन गया है। तो उस तो बाद जिहड़ी मैं पैलेट यूज़ करन लगी हाँ वो हैगी है ये वाली कीको दी ग्रीन मी आई शैडो पैलेट। ये जिहड़ियां शेड्स हैगियां सारियां नैचुरल शेड हैगियां आ, तो मैं हुण ये वाली जिहड़ी शेड आ इहनूं लैके एज आ माई ट्रांजिशन शेड यूज़ करूँगी। तो ये मैं एक ब्रश लै रही हाँ, ये हैगा मोरफी का मेरे तो ब्रश हैगा आ, इहनूं लैके मैं अपना जिहड़ा हैगा आ सॉकेट दे विच अप्लाई करूँगी। क्योंकि ये हैगा अज का जो ट्यूटोरियल बिल्कुल क्विक जहा होने वाला आ क्योंकि मैं कुछ भी ज़्यादा नहीं करना हैगा। आज मैं एक वाली जी हैगी शिमरी जी शेड हैगी उपर ये वाली सैकेंड नंबर पर ये वाली जी हैगी अप्लाई करूँगी। तो ये एक मैं छोटा जहा ब्रश लूँगी फ्लैट ब्रश। गाइज़ मैं अपने जिहड़े वर्ड आ वापस लेते हैं जिथे मैं क्या सीगा कि मैं जिहड़ा फैन आ ऑन नहीं करना हैगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा सी तो मैनू बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। सो जिहड़ा मैं फैन आ ऑलरेडी ऑन कर चुकी हाँ। सो
वीडियो वालों वापस जाते हैं। जो मैं आई मेकअप अपना बहुत ईजी जहा स्मोकी जहा आई मेकअप कर लिया आ, बिल्कुल सिंपल जहा नैचुरल जहा, क्योंकि कुछ भी मैं ज़्यादा करन दे मूड दे विच नहीं हैगी। तो उस तो बाद मैं सेम एक समॉल जे ब्रश के नाल जी शेड हैगी, सब तो जी डार्केस्ट शेड हैगी है इस पैलेट के, मैं अपनी लोअर लैश के उत्ते अपलाई कर लूँगी, जिद ना जो स्मोकी इफेक्ट आ होर ज़्यादा वधिया बन जाए। जड़ा मेरा आई मेकअप हैगा बहुत ज़्यादा सिंपल हैगा, इस करके मैं डिसाइड किया है कि आज मैं काजल पाऊंगी। सो जड़ा मैं काजल यूज़ करन लगी हूँ वो हैगा या डीप ब्लैक काजल, तो ये मैं हुण अपने जड़ा हैगा या वाटर लाइन दे विच अप्लाई करूँगी। बाई द वे मैं तुहानू दसना चाहुंदी हाँ कि यह काजल अप्लाई करना मैनू बिल्कुल भी पसंद नहीं हैगा, बट आज जड़ी मेरी लुक हैगी उहदे वास्ते मैं अप्लाई कर रही हाँ। क्योंकि इहदा मैनू हैगा जड़ी क्लीनिंग प्रोसैस आ मैनू बहुत गलत लगती है, मैं ब्रूतो कहण लगी सी जड़ी क्लीनिंग प्रोसैस आ मैनू बिल्कुल भी चंगी नहीं लगती हैगी, तो मैनू जड़ी अपनी आइज आ विदाउट ए काजल तो ही सोहनिया लगती हैं, बट अज मैं अप्लाई कर लिया आ। सो उस तो बाद मैं हुण इहनू थोड़ा थोड़ा जिहा स्मज कर दूंगी। बारी आती है आई लाइनर अप्लाई करन दी, तो आई लाइनर वास्ते जिहड़ा मैं यूज़ करन लगी हाँ लॉस्ट इन अमाल्फी, बहुत सोहना नेम हैगा या स्पैशली लॉस्ट इन अमाल्फी आई मेकअप ड्यू। ये वाला जिहड़ा हैगा दो तरह की इहदी जिहड़ी हैगी एप्लीकेशन हैगी आ, सो मैं तो जिहड़ी नॉर्मल जिहड़ी एप्लीकेशन हैगी आ ये वाली पेन वाली यही यूज़ करूँगी। आईलाइनर अप्लाई करने तो बाद हुण मैं अपने मस्कारा यूज़ करन लगी है, तो मस्कारा जिहड़ा हैगा ऑन द गो मस्कारा हैगा आ, इहदी जिहड़ी पैकिंग हैगी आ ट्रैवल साइज हैगी आ। इहदे नाल ही जिहड़ा मेरा आई मेकअप आ ऑलमोस्ट डन आ, तो हुण बारी आउंदी आ किको दा मेरा जिहड़ा हैगा फेवरेट प्रोडक्ट यूज़ करन दी, ओह हैगियां किको दियां लैशिज़। ए वाली जिहड़ी हुंदी आ उहनां दी पैकेजिंग हैगी आ, मैं ऑलरेडी पैकिंग तो बाहर कर चुकी हाँ। ए वालियां जिहड़ियां लैशिज़ हैगियां आ नैचुरल जिहड़ी इहनां दी हैगी आ स्टाइल हैगा आ, ए वालियां लैशिज़ मैनूं बहुत ज़्यादा पसंद आ, बट इहदी इक डाउनसाइड इही आ कि इहदे विच बहुत ज़्यादा स्टाइल नहीं आते हैं, सिर्फ दो या तीन स्टाइल है जो कि दो जोड़े है बिल्कुल समॉल जी लैशिज़ आ मैं नहीं पसंद है। ये वाला जो स्टाइल आ मेरा फेवरेट है, मैं अपने वास्ते हमेशा यही यूज़ करती हाँ मोस्टली, बट मैं हूँ होर भी ट्राई कर रही हूँ, बट ये वाला जो हजे तक मेरा फेवरेट हैगा आ। उस तो बाद ये वाले जिहड़ियां लैशिज़ हैगियां बहुत ज़्यादा सिंपल जिहियां नैचुरल जिहियां हैगियां आ, तो हुण इन्हां नूं मैं अप्लाई करूँगी। एक लैशिज़ जी मैं अप्लाई कर चुकी हाँ, तो जोड़ा डिफरेंस हैगा दोनों आइज़ दे विच तुसी देख सकते होवोगे कि एक नैचुरल जिहियां लैशिज़ जिहड़ियां हैगियां आ किन्ना ज़्यादा डिफरेंस लै आउंदियां आ, तो साडियां जिहड़ा आई मेकअप आ किन्ना ज़्यादा इनहैंस हो जाता आ। सो मैं हुण सैकेंड साइड भी जिहड़ी आई लैशिज़ दा अप्लाई करके तुहानू मिलदी हाँ। इहदे नाल जिहड़ा मेरा आई मेकअप आ डन हो चुका है, तो तुसी देख सकते हैं कि सिंपल जिहा लग रहा, बट फिर भी इन्ना ज़्यादा बोल्ड लग रहा। सो ए वाला जिहड़ा हैगा मैनू बहुत ज़्यादा पसंद आ, बिल्कुल सिंपल जिहा कोई भी कर सकता है, ईजी बिगनर फ्रेंडली हैगा आ। सो उस तो बाद असी बेस वाल वापस जाते हैं, तो बेस वास्ते हुण मैं जिहड़ा हैगा अपना ब्लश अप्लाई करना है, तो ब्लश वास्ते मैं तुहानू दसना चाहुंदी हां कि ए वाला जिहड़ा ब्लश हैगा मेरा फेवरेट 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 ब्लश हैगा आ। ओवर मिले जिन्ने भी ब्लश हैगे नास दे ब्रश तो ब्लश तो छड के सैकेंड नंबर पर फेवरेट हैगा आ, इहदी जिहड़ी शेड हैगी बहुत ज़्यादा प्यारी आ, शेड नेम हैगा आ ड्रीमिंग कॉल 02। ये वाली जिहड़ी शेड हैगी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैगी आ, मैं अपनी मोस्टली ब्राइड के उत्ते भी ये वाली जिहड़ी शेड आ अपलाई करती हाँ, तो मैनू ये बहुत ज़्यादा पसंद आ। सो अज मैं जिहड़े ड्रैस पाई आ वह हैगी वाइट, इस करके जिहड़ा मेरा मेकअप आ बहुत ज़्यादा न्यूड जिहा हैगा आ। सो मैं ये वाला जिहड़ा ब्लश अपलाई करूँगी।
ब्लश अप्लाई करने तो बाद बारी आती है हाईलाइटर अप्लाई करने की। तो हाईलाइटर वास्ते जी मेरे को हैगी फ्री सोल हाईलाइटर जोड़ा है बहुत सोहना ब्यूटीफुल जहा हाईलाइटर है। मैं जो बट ये बाय किया मैं लगा कि आई शैडो आ बट मैं बाद देखा कि हाईलाइटर हैगा या आई शैडो नहीं है। सो इनू हूँ मैं अप्लाई करूँगी। तो हुण गल करते हैं एक कीको का इदा का प्रोडक्ट जिहड़ा मैनू बहुत ज़्यादा पसंद आ। तो जे कोई अवार्ड हो मैं ये वाले प्रोडक्ट नू दे दवां जे मेरा कोई अवार्ड चलता होवे अवार्ड फंक्शन होवे। ये हैगा आ लिप पेंसिल जिहड़ियां कीको दी हैगियां आ। ये हैगियां क्रीमी कलर कंफर्ट लिप लाइनर। ये वाली जिहड़ियां हैगियां पेंसिल मेरियां बेस्ट 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 पेंसिल हैगियां। मैं तो मोस्टली सारियां पेंसिल इसे ब्रांड दी हैगियां इस करके तुहानू वीडियोज़ दे विच दुबारा 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 देखण नू मिलदियां क्योंकि ये मैनू बहुत ज़्यादा पसंद आ। सो जिहड़ी मैं शेड यूज़ करन लगी हाँ 316 हैगी आ। तो इनू हुण मैं अपने लिप्स के उत्ते अप्लाई करूँगी। तो हुण गल करदे हां लिपस्टिक दी कि कीको दीआं लिपस्टिक मेरे कोल कुछ ज़्यादा नहीं हैगियां बिल्कुल हार्डली एक या दो लिपस्टिक हैगियां क्योंकि पिछे जे मैं अपनी कज़न नूं भी सेंड कर दित्तियां सी थोड़ियां जिहियां जिहड़ियां एक्सपायरी डेट दे लग गए सीगियां अदरवाइज जिहड़ियां एक्सपायर हो चुकियां सी ओह मैं थ्रो आउट कर दित्तियां सी जदों असीं घर शिफ्ट कीता सीगा। सो ए वाली जिहड़ी लिपस्टिक हैगी आ मेरे कोल ए हैगी आ कॉफी शेड दे विच। ते मैं इनू अप्लाई करके बट मैं इन्नी डार्क नहीं लगाउणी हैगी। उस तों बाद मैं तुहानूं दस्सदी आ कि मैं की करदी आ थोड़ी थोड़ी अप्लाई करनी बिल्कुल। ये जी लिपस्टिक हैगी बहुत ज़्यादा डार्क हैगी जिस तरह कि मैं तुम्हें दसिया तो मैं डार्क नहीं चाहती हैगी स्पैशली अपनी अज की जी है लुक वास्ते। सो मैं जी की करन लगी हाँ ए वाला जिहड़ा मैं तुम्हें दसिया सीगा जिहड़ा प्रोडक्ट मैं तीन बारी यूज़ कर चुकी हाँ ऑलरेडी अपनी इस वीडियो के हैगा आ आई शैडो ड्यू। तो ये वाला जिहड़ा हैगा आ मैं जी सिल्वर सॉरी जी गोल्डन शेड हैगी उन्हूं मैं अप्लाई करूँगी अपने लिप्स के उत्ते। दैट्स इट ये जी मैं अपनी जी लिपस्टिक इनू लगा चुकी हाँ। सो हूँ जोड़ी भी ज़्यादा कुछ रह गया होगा एक्सट्रा प्रोडक्ट उन्होंने मैं एक टिशू की हैल्प दे नाल कर लूँगी रिमूव कर लूँगी। दैट्स इट ये हो गई आ मेरी लिपस्टिक। तो ये भी एक ट्रिक सी कि जे तुसी कोई भी जी लिपस्टिक हैगी टिंट अपने जी लिप्स उन्होंने करके तो लाइट शेड रखना चाहते हो तो तुसी इदा कर सकते हैं। तो दैट्स इट ये जो मेरा मेकअप हैगा है कंप्लीट हो चुका है। मेरे कोई भी सैटिंग स्प्रे नहीं है कि कीको दी सो मैं उन्होंने अवॉइड कर रही हाँ। मैं कोई भी अपना जो फेस आ सैट नहीं कर रही हैगी। तो यह मेरा मेकअप तो उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें पसंद आया होगा। तो हूँ आप करते हैं ज्वैलरी जी है वेयर करते हैं तो देखते हैं की वेयर करते हैं। ये हैगी है मेरी फाइनल लुक उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें पसंद आई होगी। मैं आप ब्यूटीफुल जे एयरिंग्स वेयर किए हैं तो मेरा जो सूट हैगा बहुत ही प्यारा वाइट कलर का सूट हैगा जो कि मैं बहुत ज़्यादा पसंद हैगा आ। सो जो मेकअप हैगा आ मैनू जिस तरह का भी आया हैगा निकल के मैं बहुत पसंद आया कि नैचुरल जहा हैगा आ। तुम समर के कितने भी वेयर कर सकते ईवन जे तुम किसी फंक्शन के उत्ते भी ये वाला जो मेकअप हैगा ट्राई करना चाहते तो कर सकते क्योंकि ज्वैलरी नाल जां ड्रेस नाल जो है बहुत ज़्यादा सोहना लगेगा। सो मैं जी लुक हैगी जिदा निकल के आई है मैं बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो तुम भी मैं कॉमेंट करके दस्यो जी तुम्हें ये वाली लुक पसंद आई है। तो जे होर किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड की या किसी भी पर्टिकुलर लुक की तुहाडी रिक्वेस्ट होगी तो मैं जरूर पूरी करूँगी। तुम्हें बस करना है कि मैं कॉमेंट करना है या इंस्टा DM करना है या उदा की जी वीडियो हैगी मैं डेफिनेटली लैके आऊँगी। तो उस तो बाद मैं यही कहना चाहती हाँ कि जे तुम वीडियोज़ देखनिया चाहते हैं पसंद करते हैं तो प्लीज़ जीडियोज़ अपने फ्रेंड्स के जरूर शेयर करया करो। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करो कि वह मेरे चैनल में सबसक्राइब करन तो तुम भी सारे मेरे चैनल सबसक्राइब करो जिन्होंने अजे तक नहीं किया है। इस ही जी इनकरेजमेंट मैं मिलती रहेगी कि मैं वीडियो वधिया वधिया लेके आव। सो उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें जी अज की वीडियो हैगी पसंद आएगी। तो मैं मिलती हूँ मेरी नैक्सट वीडियो के टिल दैन टेक केयर बाय।